बुलंदशहर से रेशु कुमार, पत्रकार की रिपोर्ट। सार्वजनिक कुआं पर दबंग ने कब्जा कर बनाया शौचालय। लोग दबंगई से परेशान होकर गांव से पलायन करने पर मजबूर। बुलंदशहर थाना छतारी क्षेत्र के गांव जलालपुर में 100 साल पुराने सार्वजनिक कुआं पर चली आ रही पूजा करने की परंपरा को एक दबंग व्यक्ति के द्वारा रोक लिया गया है, जिसके बाद सार्वजनिक कुआं पर दबंग ने कब्जा कर शौचालय बनाया लिया है, जिसके बाद गांव वाले पूजा करने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। बता दें कि सार्वजनिक कुआं पर कुछ दबंग लोगों ने अवैध कब्जा कर शौचालय बना लिया है, जिसके बाद गांव वाले सार्वजनिक कुआं से शौचालय हटाने की प्रशासन से करीब पिछले एक साल से गुहार लगा रहे हैं व चक्कर काट रहे हैं, लेकिन दबंग के आगे शासन पर नजर आ रहा है। वहीं गांव वालों का कहना है कि जो भी कुआं से शौचालय हटाने की बात करता है, दबंग उसे जान से मारने की धमकी देता है, जिससे गांव के लोग डरे व सहमे हुए हैं और दबंग से मजबूर होकर गांव से पलायन करने पर मजबूर है। अब देखना ये होगा कि आखिर बुलंदशहर का शासन प्रशासन दबंग पर कार्यवाही करते हुए सार्वजनिक कुआं से अवैध कब्जा हटाता है या नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र सिंह है सर, मैं जलालपुर का रहने वाला हूँ। कुआं का मामला क्या? सर ये सार्वजनिक कुआं है, विजयपाल सिंह और हरपाल सिंह, सोनपाल सिंह और सुरेश, ये चार भाई हैं, दबंग आदमी हैं गांव के, और इन्होंने इस कुएं पे अवैध कब्जा कर लेटरिन बाथरूम बना लिए हैं। और जो शेष जो जगह है, मेरा जो मकान इसके घर के सामने है, उस मकान के घर के सामने जो जगह है, वो मेरा दरवाज़ा भी बंद करना चाह रहे हैं, और ये कह रहे हैं आधा घर मेरा है, 58 नंबर में ये मुझे मारने की भी धमकी दी जा रही है। सर अब आप क्या कहते हैं? सर मैं बहुत परेशान हूँ, मैंने ये एप्लीकेशन मेरे हाथ में है बहुत सारी है, SDM साहब से भी दी है मैंने, और तहसीलदार महोदय साहब को भी दी है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दी है मैंने, DM साहब से भी एप्लीकेशन दी है, बहुत सारी एप्लीकेशन है, लेकिन मैं प्रशासन ने क्या कहा? प्रशासन ने, मैं आज 1.5 साल से घूम रहा हूँ, लेकिन मेरी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है, और मैं जाता हूँ तहसील में और मेरी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। प्रशासन अधिकारी को यह क्या कहेगा? यहाँ सर एक बार नाब तहसीलदार महोदय यहाँ पे आए थे और उन्होंने देखा मौका मायना और कि ये कुआ है, सार्वजनिक पूजन स्थल है और इसको तो आप नहीं कोई भी ये कैसे बना लिया आपने, तो इनसे विजयपाल सिंह से पूछा ये हटाओ इसको, तो ये बोले सर मुझे टाइम दे दो, कल 5 बजे तक हटा लूँगा मैं। आज तक सर उसके बाद में कोई भी अधिकारी देखा। एक ही कुआ है और इसमें विजयपाल सिंह और सोनपाल, हरपाल, विजयपाल ये चार भाई हैं, इन्होंने अवैध कब्जा कर रखा है, लेटरिन बाथरूम और नल वगैरह बना रखे हैं। कुआ तो 100 साल पुराना है, लेकिन इन्होंने 1.5 साल से कभी अवैध कब्जा कर रखा है, और गांव के दबंग आदमी हैं और पूजन स्तर है, तो हम चाहते हैं इसको ये अवैध कब्जा हट जाए। कितने दिन में पूजा हुई? पूजा तो हमने भी की, हमारी शादी होके आई थी 8-10 साल पहले, तो हमारे बड़े बुड्ढों ने भी पूजा की है इस गांव में। कितने दिन से पूजा की जाएगी? सब हमारे बड़े बुड्ढों ने बहुत पहले से पूजा करते आए हैं, लेकिन अब 1-2 साल से पूजा नहीं हो रही है, लेकिन हम भी 1.5 साल से है ना लॉकडाउन लगा, पिछले साल से जब से भाग रहे हैं, सब जगह DM SDM सबको एप्लीकेशन वगैरह सबको दी है, कोई भी हमारी कोई भी दुहाई नहीं सुन रहा है, हम 1.5 साल से हम परेशान सुनने पर मजबूर हो रहे हैं।